जिले में वर्मी बेड बनाने को लेकर के एक योजना शुरू की गई थी, इस योजना में कुछ गड़बड़ी मिली है, क्या है वो गड़बड़ी और अब उस पर क्या कार्रवाई हुई है? वर्मी कंपोस्ट यूनिट स्थापित करने के लिए उप निदेशक कृषि के यहाँ से किसानों को का चयन करते हुए उसमें 6,000 अनुदान दिया जाता है और जब किसान स्वयं उसको बना लेता है तो उसके खाते में अनुदान की धनराशि ट्रांसफर होती है। लेकिन वर्मी कंपोस्ट जो बनाया गया है उसमें शिकायत मिल रही थी कहीं कहीं केचुए इन्होंने नहीं डाले हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने टू टायर व्यवस्था की। एक तो सभी वीडियोज को हमने सूची भेजी है कि आप पूरे ब्लॉक का जितने भी किसानों का है सब सत्यापन करके हमको रिपोर्ट दें, और इसी बीच डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर को भी कहा गया कि आप रैंडम बेसिस पे जाकर इसका सत्यापन कर लें। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर को रैंडम बेसिस सत्यापन करने पर 18 में से 4 जगहों पर केचुए नहीं पड़े पाए गए, यद्यपि वर्मी कंपोस्ट का गड्ढे और बाकी चीज़ें निर्माण था उसमें, लेकिन जब तक केचुए नहीं पड़े हैं उसकी उपयोगिता नहीं सिद्ध होती है, तो उपयोगिता सिद्ध होने के लिए केचुआ पड़ना जरूरी था। तो इसी के मद्देनज़र जिसने उसका सत्यापन किया था वहाँ के तकनीकी सहायक को अजीत कुमार सिंह को डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने निलंबित कर दिया है, और आगे भी जैसे जैसे रिपोर्टें आती जाएंगी उस तरह से हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे, और सभी जितने भी हमारे वर्मी कंपोस्ट बने हैं सबको उपयोगिता स्तर तक ले जाएंगे।